जानिए इमली के औषधीय गुण। इमली और उसके बीज दोनों ही औषधीय रूप से काफी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आप देख सकेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर बने हुए हमारे डेली वीडियोस। इमली के कई औषधीय गुण हैं। इमली के गूदे का पानी पीने से वमन, पीलिया, फ्लैग, गर्मी के ज्वर में भी लाभ होता है। हृदय की दाहकता या जलन को शांत करने के लिए पकी हुई इमली के रस में मिश्री मिलाकर पिलानी चाहिए। चोट या मोच लगने पर इमली की ताजा पत्तियां उबालकर मोच या टूटे अंगों को उसी उबले पानी में सेक लें या धीरे धीरे उस स्थान को उंगलियां से हिलाएं ताकि एक जगह जमा हुआ रक्त फैल जाए। गले की सूजन, इमली 10 ग्राम को 1 किलो जल में औटाकर या आधा जलाकर छाने, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर रोगी को गरारे या कुल्ला कराएं तो गले की सूजन में आराम मिलता है। खांसी, टीबी या छह की खांसी हो तब इमली के बीजों को तवे पर सेक लें, ऊपर से छिलके निकालकर कपड़े से छानकर चूर्ण बना लें। इसे 3 ग्राम तक घी या मधु के साथ दिन में 3-4 बार चाटने से शीघ्र ही खांसी का वेग कम होने लगता है, कफ सरलता से निकलने लगता है और रक्त श्राव व पीला कफ गिरना भी समाप्त हो जाता है। हृदय में जलन, पकी इमली का रस मिश्री के साथ पिलाने से हृदय में जलन कम होती है। नेत्रों में गुहेरी होना, इमली के बीजों की गिरी पत्थर पर घिसें और इसे गुहेरी पर लगाने से तत्काल ठंडक पहुंचती है। शराब व भांग का नशा उतारने में भी सहायक है। नशा समाप्त करने के लिए पकी इमली का गूदा जल में भिगोकर मत कर और छानकर उसमें थोड़ा गुड़ मिलाकर पिलाना चाहिए। लू लगना, पकी हुई इमली के गूदे को हाथ और पैरों के तलवों पर मलने से लू का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि इस गूदे का गाढ़ा घोल बालों से रहित सर पर लगा दें तो लू के प्रभाव से उत्पन्न बेहोशी दूर हो जाती है। चर्म रोग, लगभग 30 ग्राम इमली गूदे सहित 1 ग्लास पानी में मत कर पिए तो इससे घाव फोड़े फुंसी में लाभ होगा। उल्टी होने पर पकी इमली को पानी में भिगोएं और इस इमली के रस को पिलाने से उल्टी आनी बंद हो जाती है। खूनी बवासीर, इमली के पत्तों का रस निकालकर रोगी को सेवन कराने से रक्तार्श में लाभ होता है। लगभग 50 ग्राम इमली लगभग 500 ग्राम पानी में 2 घंटे के लिए भिगोकर रख दें, उसके बाद उसको मत कर मस लें। इसे छानकर पी जाने से लू लगना, जी मचलाना, बेचैनी, दस्त, शरीर में जलन आदि में लाभ होता है। पीलिए में सहायक, इमली के वृक्ष की जली हुई छाल की भस्म 10 ग्राम बकरी के दूध के साथ प्रतिदिन सेवन करने से पीलिया रोग ठीक हो जाता है। आग से जल जाने पर इमली के वृक्ष की जली हुई छाल की भस्म गाय के घी में मिलाकर लगाने से जलने से पड़े छाले व घाव ठीक हो जाते हैं। तो ये थे इमली के औषधीय गुण। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, अपना कमेंट करें और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। इससे हमारा हर वीडियो आप तक पहुँचेगा सबसे पहले।